अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सरीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट आप सबको एंटरटेन करने के लिए, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं आज मुल्तान के एक ऐसे तलीमी इदारे में जहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, और उनके साथ हम करेंगे चिट चैट, उनके साथ गपशप करेंगे, देखेंगे उनमें क्या टैलेंट है और वो किस तरीके से मुझे और मेरी ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। हमेशा की तरह कुछ फनी रिडल्स को ऐड करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स को शामिल करेंगे, प्रोग्राम को बनाएंगे एंटरटेनिंग। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हुसैन नकवी। सैयद हुसैन नकवी जी। आपका नाम? रसील हसन। रसील हसन। रसील, अच्छा, क्या मतलब है इस नाम का? मीठा। मीठा, ओए हो। तो घर में आपको निकनेम से कोई बुलाते हैं? नहीं, सारे आपके एक्चुअल नाम से ही बुलाते हैं। मम्मा तो प्यारा बेटा कहती रहती है। प्यारा बेटा कहती रहती हैं। अच्छा, चलो, अब आप एक ही भाई हो? यस। बस इसीलिए प्यारा बेटा करती रहती हैं वो, है ना? फ्रेंड्स हो दोनों? जी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपका स्टाइल, ये किससे इंस्पायर हो के आपने अपने आप को ऐसे रखा हुआ? मैंने हेयर कट एंड ऑल दैट, मैंने सैमसंग से इंस्पायर होके रखा। ओके ओके, और आप? मैंने इनसे इंस्पायर होके रखा हुआ है। नहीं, उनके तो बाल ऐसे नहीं है। पहले थे लेकिन अब चेंज, अपना स्टाइल चेंज कर लिया। ओके, तो घर वाले कुछ नहीं कहते? नहीं, घर वाले तो देखते भी नहीं है हमारी तरफ। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आज कब कोई बच्चों की वैसे तो हरकतें भी ऐसी होती हैं कि घर वाले फिर देखते भी नहीं है। नहीं, हरकतें ठीक हैं, बस उन्हें यकीन नहीं है अपने आप पे। यकीन नहीं है कि ये हमारे बच्चे हैं? घर वालों को यकीन नहीं है। अच्छा, चलो, क्या कर रहे हो आप? स्टडी क्या कर रहे हो? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। आप भी? यस। चलो, एक सवाल करते हैं आपसे जनरल नॉलेज का, ठीक है? आपने जवाब देना। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है, उस शहर का नाम बताइए जिसमें 15 नुक्ते आते हों। पंद्रह नुक्ते। नहीं पता। अब अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर कुछ सुनाना पड़ेगा। डेरा गाजी खान। नहीं। बलूचिस्तान। नहीं आता। नहीं पता। अब कुछ सुनाना पड़ेगा। सवाल का जवाब दिया नहीं है तो कुछ सुनाना पड़ेगा। सुनाना सुनिए, मैंने एक मैसेज देना है। दें कि जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको अपने बच्चों के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई का बर्डन ले रहे हैं तो उनसे डिस्कस करें बैठ के, बजाय इसके कि प्रेशराइज किया जाए। हाँ जी, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। ऑलरेडी यहाँ पे टीचर्स वगैरह बहुत, आई थिंक अब तो पेरेंट्स बड़ा अब आजकल अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। पहले एक टाइम होता था जब पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि यार स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम में तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड। हाँ, करते होंगे अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपना केस बता रहा हूँ। अच्छा, अपना केस बता रहे हो, चलो। और लेट मी सजेस्ट समथिंग के करना उतना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर इंसान का जो कैलिबर है वो एक जैसा नहीं रखा, ठीक है? हाँ, ये, और आप ख़ुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो ना। अगर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप अगले बंदे को कन्विंस कैसे करोगे? कन्विंसिंग पावर तो अल्लाह ने आपको दी है ना जी, दी है। कन्विंस तो आप कर सकते हो। ओके, आप क्या सुनाओगे? बड़े जॉली लगते हो आप लोग, लेकिन है चुप चुप चुप, खामोशी से जितना पूछो उतना जवाब दे के चले जाते हो। काम से काम रखते हो, लेकिन बंदे को थोड़ा सा फनी भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा फन करना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी तो थोड़ा सा लाइफ में होना चाहिए। फनी थे पहले, कोई फायदा ही नहीं हुआ फनी होने। फायदा ही नहीं हुआ? नहीं, वापस ऐसे हो गए हो जी। ओहो, क्या फायदा होना चाहिए था, थोड़ा यू नो फन गाइस, फन बॉयज होने का। लोग बुलाते हैं भाई, कहते हैं हर एक पार्टी वगैरह में, हर एक गैदरिंग में हमें बुलाना चाहिए था। उन्हें कहते हैं कि भाई अच्छा लगेगा, शुगर लगेगा ऐसा, लेकिन कोई सीन ही नहीं था। लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं है, बुलाते ही लोग बुलाते ही नहीं है, लोग मुँह ही नहीं लगाते हैं। फिर हमने कहा यार अब सीरियस हो जाओ लाइफ में, ये ना हो आगे भी कोई मुँह ना लगाए, जॉब वॉब ना मिले, फ़ायदा ही नहीं कोई। ये हर वक्त ऐसे ही रहता जी, ये हर वक्त ऐसे ही रहता।
यस, पहले नहीं होता था, अब हो गया। अब हो गया क्यों? वो बताया ना आपको, फायदा ही नहीं हुआ पहले, बड़े फायदा नहीं हुआ पहले। अच्छा चलो, टंग ट्विस्टर कराती हूँ आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 times, ठीक है? आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। वेरी गुड। मैंने भी बोलना जाहिर है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। वेरी गुड। क्या एम्स हैं, क्या करना क्या चाहते हो जिंदगी में, लाइक व्हाट आर एग्जैक्टली द गोल्स? टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि हम इस मुल्क को चेंज करें। देखिए यार, ये हो नहीं सकता। हर बार नेगेटिव केसेस में और ये पोल्यूशन में ही हमारा मुल्क टॉप करता है। हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उनमें इंशाल्लाह अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ओके, और आप? मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। ओए डायरेक्ट ही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में घुस जान। किससे इंस्पायर्ड हो? ज़्यादातर बाबा के कजन्स हैं बड़े पॉलिटिक्स। अच्छा, मतलब फैमिली में भी पॉलिटिशियंस अभी हैं? ओके चलो ठीक है। पॉलिटिक्स में आके सबसे पहला काम क्या करोगे? हम कंट्री को चेंज करूँगा। कंट्री को चेंज, वो तो हर बंदा कहता है कि यार कंट्री को चेंज करेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। जितना हो सकेगा उतना तो करूँगा। क्या करोगे? लेट्स से यू आर अ पॉलिटिशियन राइट नाउ, और व्हाट विल यू डू? आपके ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे? जो करप्शन करते हैं सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा, उसके बाद जो बाकी होगा बाद में देखूंगा। चलो सेट है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैर तारिक है, लेकिन लोग प्यार से उज़ैर बे बुलाते हैं। उज़ैर बे? उज़ैर बे। बे का क्या मतलब? बे टर्किश लफ्ज है, इसका मतलब है सरदार या कोई बड़ा। अच्छा, ये आपने एक रिंग पहनी हुई है, ये क्यों पहनी हुई, और ये बड़ा वाकई ये उस टर्किश कल्चर को भी थोड़ा सा लाइक टच करती है। मैं टर्किश एक्टर, जो ये टर्किश चौथे एंसेस्टर्स हमारे, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इस वजह से इंस्पायर्ड हूँ जी, उनसे इंस्पायर हो। ओके ठीक हो गया। तो वो तो फिर आपने एक ड्रामा देखा होगा? एक नहीं, मैंने लगातार ड्रामे देखे। नहीं, एक टर्किश ड्रामा जो कि बहुत लाइक फेमस टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा, और मेरे ख्याल से मुझे उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा ड्रामा? अर्तुगरुल। अर्तुगरुल गाजी, बिल्कुल। तो वो तो देखा होगा जी? जी, दो बार देखे। किस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हो? अर्तुगरुल से। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो, ड्रेसिंग भी उन्हीं से इंस्पायर होके करते हो? नहीं नहीं, ड्रेसिंग तो वैसे खुद ही। अच्छा, ड्रेसिंग तो आज वैसे ही की हुई है। चलो सेट है। क्या करते हो वैसे? स्टडीज कर रहे हो? क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? हस्बैंड बनने? हस्बैंड बनना फ्यूचर में बनना, वो फिर घर वालों से को भी बना देंगे। घर वाले कहते हैं पहले बड़े तो हो जाओ। बड़े तो हो जाओ यार, बाद में बन जाना है जी। पसंद भी है या फिर घर वालों की मर्जी से करोगे? फिलहाल तो नहीं, क्या पता आगे फ्यूचर। अच्छा चलो, वैसे क्या इरादा है कि अपनी पसंद की शादी करोगे या घर वालों की पसंद की करोगे? जो नसीब में लिखा हुआ। नसीब में लिखा हुआ? नसीब तो इंसान, नसीब तो एक दूसरी बात होती है, इंसान की अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं। अपनी तो ये ख्वाहिश है कि लव मैरिज ही हो। अच्छा, लव मैरिज ही हो, चलो ठीक हो गया। सवाल पूछते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताएं जी, पाकिस्तान के एक ऐसे शहर का नाम जो के जिसमें 15 नुक्ते आते हों। बलोचिस्तान? बलोचिस्तान नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। चलो जी, टंग ट्विस्टर कराएंगे फिर आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, और आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो रिपीट करेंगे या मैं बोल दूँ? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
चार दफ़ा बोला, चलो कोई नहीं, मार्जिन देते हैं आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? फहदुल्ला। फहद? फहदुल्ला। फहदुल्ला, ठीक है जी। फहद क्या करते हो आप? स्टडी ओ लेवल। ओ लेवल्स कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इसके अलावा क्या क्या करते हो? इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल। इसके अलावा? इसके अलावा हर वक्त तो क्रिकेट फुटबॉल नहीं बंदा खेल सकता, फिर उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? उसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह, या घर स्टडी कर लिया। और इंस्टाग्राम? ओके, तो इंस्टाग्राम पे मीम्स भी देखते हो? आजकल कौन सी ट्रेंडिंग मीम्स चल रही हैं? मीम ट्रेंडिंग का तो नहीं पता, वैसे ही आ जाती हैं रैंडम। वैसे ही रैंडम आ जाती हैं। अच्छा, ऐसे ही शाय शाय रहते हो हर वक्त? नहीं, बोलते हो जी। फिर यहाँ क्यों नहीं बोल रहा है? वैसे ही। चलो बताओ, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर इंजीनियर बनना है। अच्छा, इंजीनियर ही बनना है बस? या आजकल बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर से बाहर क्यों नहीं निकलते? यही बस बच्चों को यही है कि डॉक्टर और इंजीनियर अगर बन जाए तो वही ठीक। आप भी बच्चे हो? लगते नहीं हो फिर। चलो सवाल पूछती हूँ, एक आपने जवाब देना है। सवाल है जनरल नॉलेज का, मुझे बताइए पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके जो नाम है, जब नाम हम लिखें बोलें तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान? नहीं। चले टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूंगी उसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा, ठीक है? 5 दफ़ा बोलेंगे आप। आपने बोलना है किक्कर की लकड़ी की खिड़की में मकड़ी का जाला। किक्कर की किकड़ी में? चलो चेंज कर देते इसको, आप बोलो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मुश्किल है, बोलना तो पड़ेगा। क्या था दोबारा? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 दफ़ा ऐसे ही बोलना, इतनी तेज से। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने। चलो कुछ सुना दो, कोई गाना आता है, कोई शेर आता है, कुछ भी सुना। नहीं, शर्माना आता है? हैं, शर्माए जाओ। चलो 2 मिनट शर्मा के दिखाओ। हैं, वाकई शर्माने लग गए। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे? यही कि बस स्टडी करें सारे अपने। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद खान है। आपका नाम? शहीर अहमद। शहीर? शहीर अहमद। ओके, क्या करते हैं आप लोग? हम फिलहाल अभी ए लेवल्स में, हमारा फाइनल ईयर सेकंड ईयर के अंदर है ये। ओके, अभी फाइनल ईयर आपका चल रहा है ए लेवल्स का? जी जी। फिर फर्दर क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह फिर आगे अब ग्रेजुएशन है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन या पाकिस्तान में भी है, नस्ट भी है, लम्स भी है, या तो फिर हम अब्रॉड जा सकते हैं इजीली, क्योंकि ए लेवल्स की वजह से आप इजीली अब्रॉड आपका एडमिशन मिल जाता है। हो सकता है? जी जी। ओके, स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं? अगर आपके ए ग्रेड्स आ जाएं तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। ओके, मतलब इट्स काइंड ऑफ इजी। जी जी, आसान है। वही अगर आप एफएससी मैट्रिक करेंगे तो उसमें फिर आपको मुश्किल होती है, वैसे ए लेवल्स ओ लेवल्स के थ्रू आपका इजी हो जाता है काम। अच्छा, इजी हो जाता है, ठीक हो गया। आप बताइए जी, आप भी ए लेवल्स कर रहे हैं? जी, मैं भी ए लेवल्स कर। फाइनल ईयर है आपका? नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर है अभी। फर्स्ट ईयर के बच्चे फाइनल ईयर के साथ, ये बड़ा एक ऑपोजिट सीन है। ये भाई कॉम्पोजिट दे रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट ईयर भी देने, सेकंड भी देने। जी जी। अच्छा। मैंने दोनों एक साल देने। साथ। जी जी। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। चले सवाल पूछते हैं आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना और सवाल जनरल नॉलेज का है, ठीक है? सवाल ये है कि मुझे बताएं पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम अगर हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उस नाम में 15 नुक्ते आते हैं। 15 नुक्ते? नहीं नहीं, तुम्हें बस आइडिया तो होगा। इट्स वेरी कॉमन। बलूचिस्तान सूबा या शहर? आपने शहर शहर पूछा है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। आप बताएं।
मेरे ख्याल से इस्लामाबाद आता है। इस्लामाबाद एक ही नुक्ता होता है उसमें, है उसमें तो बे का नुक्ता है। तो ये असल में बेसिकली शारजा से है ना, तो इनकी उर्दू ज़रा वीक है, मेरी भी उर्दू ज़रा। हाँ ओके, शारजा से हो तो पाकिस्तान आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं इधर क्या कहते हैं कोचिंग के लिए आया हूँ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे सर मुझे मिले हैं। और फ्रेंड्स भी बड़े अच्छे हैं इधर। पक्की बात है अच्छे हैं? बिल्कुल। टोपी ड्रामे वाले तो नहीं? टोपी ड्रामे भी हैं कुछ, वो तो हर जगह ही होते हैं फिर, आपको पता है टोपी ड्रामे वाले तो हर जगह ही मिल जाते हैं। अच्छा ओके, चलो सही है। टंग ट्विस्टर कराएंगे हम आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने भी, पाँच दफ़ा, लेकिन मैं एक ही दफ़ा बोलूँगी, सुनना आपने गौर से, ठीक है? आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अभी सारे साथ बोल रहे हैं? ऑब्वियसली पाँच दफ़ा बोलना है। भूल भी गया भाई, आपको याद होगा तो आप बताएं। नहीं मुझे तो याद नहीं हो रहा। अच्छा चलो इसको चेंज करते हैं, ठीक है, आसान वाला कराते हैं। आपने बोलना है फालसे का फासला फासले का फालसा, पांच दफा। एक और दफा रिपीट करें बस, लास्ट। फालसे का फासला फासले का फालसा, फालसे का फासला फासले का फालसा, फालसे का फासला फालसे का फासले का फालसा, फालसे का फासला फासले का फालसा, फालसे का फासला फासले का फालसा। आई थिंक मैंने हो गया, एक दफा हो गया। फालसे का फासला फालसे का फासला फासला का फालसे फालसा का फासला फासला सब फासला मिक्स कर दिया सारा है। अच्छा मुझे बताओ और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप सारे दोस्त इकट्ठे होते हो? पढ़ाई के अलावा तो दो ऑप्शंस बचती हैं, या तो आप कोई एक्टिविटीज़ कोई हॉबीज़ जैसे क्रिकेट हो गई फुटबॉल हो गई, बाज़ दोस्त उसमें ज़रा शौकीन स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें चले जाते हैं। आजकल जो नया ट्रेंड बना हुआ कि हमारी उम्र के लड़के ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले जाते हैं यंग एज से, मार्केटिंग फ्रीलांसिंग, बाज़ दोस्त आपको ज़रा आईटी दिमाग के मिल जाते हैं तो वो आपको उस तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, दोनों ऐसे ज़रूरी हैं। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी अगर देखें, अगर आप एक तरफ हो जाएंगे तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही रुक जाएगी। नहीं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस रखना तो ज़रूरी है ना जी, दो सारे काम करें। और सबसे अच्छी एक्टिविटी तो अगर फिजिकल रखनी है तो आप पाँच वक्त नमाज ही पढ़ लें, तो बाकी साथ आप जो करना है फिर करें, वो आपकी वो सबसे बेस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की है आपने। अच्छा जी, तो अभी क्या सुनाएंगे आप हमें? हम आपको फिजिक्स सुना सकते हैं, ए टू कैसे हम बड़ी अच्छी फिजिक्स नहीं सुनानी है आपने, उसके अलावा हमें नहीं कुछ आता गाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। आप क्या शेयर करेंगे? तो भाईर की हैं भाई माँ रहे फिजिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स से सुना देंगे अगर बता, ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री कर लेंगे। अरबी अरबी में आपको नहीं आता है? कोई अरबी में नहीं आता आपको? ये आप अपने टीचर्स को देख के फिजिक्स कर रहे हो हैं? अब्बाबुल तुगलक। क्या क्या बोले? अब्बाबुल तुगलक क्या होता है? चीज पाकिस्तानी से मिले ना तो उसका मतलब ये होता है वहाँ गेट्स आर क्लोजिंग। ओके, वहाँ मेट्रो काफी इस्तेमाल करी जाती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि जेब कतरों से बचें, वहाँ कहा जाता है कि गेट्स बंद हो रहे हैं अंदर आ जाएं, वहाँ चोरी का डर नहीं होता। ओके चैलेंज जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गई हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी है। इब्राहिम कुरैशी, बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा था? मेरे पेरेंट्स ने दी, उन्होंने मेरा नाम सऊदीया में रखा था। अच्छा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो रोज़ा है, रोज़े के ऊपर। अच्छा, तो आप पाकिस्तान कब आए फिर? मैं तो पैदा पाकिस्तानी हुआ था, उन्होंने बाद में गए थे। नहीं नहीं, वो मुझसे पहले वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ दुआ की थी, दे प्रे टू अल्लाह के अगर उनका बेटा हुआ बेटा होगा तो फिर वो ये नाम रखें। जी बिल्कुल। ओके, तो फिर उनका बेटा हो गया तो फिर आपका नाम रख दिया उन्होंने इब्राहिम। कितने बहन भाई हो? मैं अकेला हूँ। एक ही हो? जी बिल्कुल। ओहो, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है? नहीं, लेकिन कजन्स हैं। कजन्स हैं। अच्छा, तो वो एक कैसी फीलिंग होती है जब आपका कोई बहन भाई नहीं होता घर में, आप अकेले होते हो? एक तरह से तो बड़े बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन एक तरह से तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। टू एन एक्सटेंट बेनिफिशियल भी है, क्योंकि लाइक एक जो पाकिस्तानी एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन कि आपका जी ये बड़ा भाई है ये छोटी बहन है, कि इससे आपका कंपैरेटिव है इन रिजल्ट्स। जिस तरह मेरा ओ लेवल्स का रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल, आई गॉट 8 out of 8 ईयर स्टडीज, गॉट 100% स्कॉलरशिप एट बीकन एलजीएस। तो एक मेरे लिए बेनिफिट था, मुझे ये नहीं था कि हाँ भी वो अगले का है उसके 5 स्टार्स।
वो जो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट होता है पाकिस्तानी कॉम्पिटिटिव भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहन भाइयों में ना बड़ी एग्जैजरेट कर दी जाती हैं, जबकि होती नहीं है वो ऐसी चीज़ें। तो एक वाकई एक कंपैरिजन बना दिया जाता है बहन भाइयों में भी। तो ये एक पाकिस्तानी एलिमेंट है रिश्तों में कि बड़ा है तो उसको गलत नहीं बोलना, छोटा है तो उसको प्यार से ही कहना है, जो भी कहना है उसको डांट नहीं सकता बड़ा अगर वो लाडला है तो। होता सही तरह तो आ जाए ना, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन होती ना पॉलिटिकल सिचुएशन होती। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो वी आर सीइंग दैट एक वी आर नॉट लिविंग डेमोक्रेसी। व्हाट हैपेंड इन द 2023-2024 इलेक्शन जो है उसको देख लें या पाकिस्तान की सियासत को आप देख लें तो इट्स अ फैमिली रनिंग बिजनेस कि आपके बाद आपका बेटा आपकी बेटी या आपकी एक जनरेशन रन हो। अच्छा मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द इलेक्शंस और बाय पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, आई लव माय कंट्री और मैं खुश हूँ इस बात के मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। ओके नाइस। आज से ये ख्वाब है कि आपका एक ट्रेडिशन है कि एमएनए का बेटा एमएनए बनेगा, इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन डे इंशाल्लाह। सिस्टम को इंशाल्लाह वी विल अपग्रेड करना इंशाल्लाह वी विल। ओके नाइस। अच्छा एक और चीज़ जो आई वॉन्टेड टू डिस्कस लेकिन मैंने की नहीं किसी से भी, लेकिन मैं अभी बात कर रही थी चूँकि मैंने एनवायरनमेंट देखा अभी मोस्टली जो आप लोग ए लेवल्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स ही थे तो आई थिंक वी आर गिविंग आर स्टूडेंट्स द रॉन्ग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। हम समझते हैं कि शायद ए लेवल्स और ओ लेवल्स करवाने से मेरे ख्याल से जो बच्चे ए लेवल्स ओ लेवल्स कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि हाँ हम शायद बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। हम ये माइंडसेट क्यों बनता जा रहा है, मतलब आप बताएं ये माइंडसेट हमारी यूथ का क्यों है कि जो ए लेवल्स ओ लेवल्स कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं बाकी तमाम स्टूडेंट्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे आप पुलिस सर्विसेज हो मिलिट्री हो या पॉलिटिक्स हो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप से अगर जज करें ना दैट्स रॉन्ग। मैं ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा अपना बिलीव है सुपीरियरिटी नहीं है और अगर है तो आई पर्सनली डू नॉट सपोर्ट ओ लेवल्स। मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैं मैट्रिक भी सपोर्ट नहीं करता। उसकी रीज़न है हम प्रैक्टिकलिटी दे नहीं रहे। हमने पाकिस्तान देखें आप रट्टा मारना सिखा ओ लेवल्स मैंने किया आई गॉट गुड ग्रेड्स लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दें मैंने बिजनेस स्टडीज में स्टार लिया अब बट आई वॉन्ट प्रैक्टिकली टॉट हाउ टू रन अ बिजनेस। मैंने कंप्यूटर साइंसेस की है लेकिन मुझे कोई पता ही नहीं है कि कंप्यूटर साइंसेस में करना क्या है। मुझे एक लिमिट तक बताया गया लेकिन हमारी एक लाइन ऑफ फील्ड बन गई कि मैं आई एम यार इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपने ए लेवल्स के बाद ग्रेजुएशन फिर यू हैव टू डू योर मास्टर्स योर एमफिल योर पीएचडी और करते करते आपको पता चलता है 40 साल का बंदा अब्बू को कह रहा है अब्बू वो नई डिग्री लेनी आई नीड मनी फॉर दैट आई कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। आप प्रैक्टिकलिटी अपनी कॉम में डाल एग्जैक्टली। अच्छा प्रैक्टिकलिटी का सॉरी नो इशू मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस तक लिमिट करें आप जो करना चाहते हैं करें एंड यू शुड सेल योर सर्विसेज अब्रॉड। लॉ की सर्विस हो या फिर आईटी की हो आप देखें इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन द फ्यूचर इट विल बी डेफिनेटली इंडिया एंड अ टाइम विल कम इट विल बी मोर देन यूएस। अमेरिका को पीछे छोड़ेगा क्यों दे आर एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज दे आर वाइडिंग एवरीथिंग इसलिए जो कर रहे हैं एंड आई वुड जस्ट लास्ट जो मैं बात कहूँगा इसमें हम सिंपली कहें हमारी कौम का कसूर है तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ये जिम्मेदारी है आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपनी कौम को अपने लोगों को ताकि हम करें। आपका जो डॉलर डिप्रिसिएशन हुई है मैं एक सवाल करता हूँ डॉलर की डिप्रिसिएशन 150-160 से आज 300 पे आ गया। जो फॉरनर बैठ के आपकी सर्विस ख़रीद रहा था जो पहले $50 की खरीद रहा था उसको वो 30 की मिल रही है वो क्यों नहीं खरीद। अच्छा मतलब पॉलिटिक्स में यू आर काइंड ऑफ टू मच इंटरेस्टेड। आई लव पॉलिटिक्स इसलिए इज व्हाट मेक्स अ कंट्री रन एग्जैक्टली। चलो इंशाल्लाह आई विल प्रे फॉर दैट। और चलें सवाल करते हैं आपसे एक आपने मुझे बताना है यकीनन आपको इसका जवाब पता होगा। मुझे बताइए पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम हम लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं। लाहौर कराची मेजर के अंदर 15 नुक्ते एग्जैक्टली डॉट्स उसका आई कैन नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर लेकिन मुझे डायरेक्शन मिल रही है 15 नुकते जो है ना वो नाम के अंदर आ रहा है वो ये डॉट वाले की आप बात नहीं कर रहे डॉट डॉट की ही बात कर रही हूँ जैसे इस्लामाबाद में सिर्फ बे का एक नुक्ता। आप बेहतर ही फिर कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल मुझसे सवाल पूछ लें रेदर अच्छा चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे ठीक है। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसे थोड़ा शॉर्ट कर दें इतना लंबा शॉर्ट कर दो अच्छा चलो टंग ट्विस्टर चेंज कर देते हैं आप बोलो फालसे का फासला फासले का फालसा।
फासले का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का नहीं, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, 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 फासले। ओके चलो कुछ सुनाओगे? नहीं, मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ही, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात। ओके चलो जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं हम। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, आप बिल्कुल फिट? जी, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े फ्रेश फ्रेश चेहरे, और इस टाइम अमूमन स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बड़े डल थके हुए होते हैं, लेकिन आप लोगों को फ्रेश देख के मेरी एनर्जी भी थोड़ी डबल हो गई है कि यार अच्छा नहीं, मतलब अभी भी कुछ लोग हैं दिन का इस हिस्से में जो अभी भी थोड़े एक्टिव हैं। जी ऐसे है ना जी, आप ऐसे होता है ना, जब हम किसी और बंदे को एनर्जेटिक और एक्टिव देखते हैं तो हम खुद भी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। ओके, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग अभी ओलेवल्स कर रहे हैं। आप सब? जी क्लास फेलोज हैं हम लोग। क्लास फेलोज, अच्छे दोस्तों? काफ़ी अच्छे दोस्तों। ओके ठीक हो गया, सवाल करते हैं आपसे एक, आप लोगों ने हमें जवाब देना है, ठीक है? सवाल जनरल नॉलेज का, आप बताएं कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में 15 नुक्ते आते हैं? नुक्ते, नुक्ते डॉट्स, जैसे हम लिखते हैं कराची तो उसमें कराची में 3 नुक्ते आते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसको जब जिसका नाम लिखे तो 15 नुक्ते आते हैं? खैबर पख्तूनख्वा? नहीं, शहर बताने को, उनसे नहीं बताना। शहर, शहर सही, जफरगढ़ नहीं। अच्छा चलो ओके, जस्ट लीव इट। आप लोग मुझे अपनी हॉबीज बताओ, क्या क्या करना पसंद है? बुक्स पढ़ना, बेकिंग करना। बुक्स पढ़ना, बेकिंग करना, ओके। बेकिंग, आई लव, आई लव बेकिंग, स्केचिंग, बुक्स पढ़ना। अच्छा, बेकिंग, स्केचिंग, बुक्स पढ़ना। आजकल के बच्चे इतने क्रिएटिव हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कि उनको इतने कम एजेस में ही उनके अंदर इतने टैलेंट और प्रैक्टिकलिटी और स्किल्स हैं उनके अंदर, राइट? बेकिंग में किसको क्या क्या बनाना पसंद है? ब्राउनीज। ब्राउनीज, यू लव टू बेक ब्राउनी? आई डू, आई रियली डू। ओके, कैसे बनाती हो आप ब्राउनीज, थोड़ा सा उधर हो के आपने हमें बताना है। पहले चॉकलेट लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, एंड देन वी ऐड बटर। एनी चॉकलेट? डार्क यूजुअली आई टेक दैट, बट यू कैन टेक एनी चॉकलेट, उसको एनी चॉकलेट यू लाइक। फिर उसको मेल्ट करते हैं, देन वी ऐड बटर एंड वी मिक्स दैट। उसके बाद हम अलग से ड्राई इंग्रेडिएंट्स का एक वो बनाते हैं प्रॉपर, उसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, चीनी वगैरह डालते हैं, फिर ड्राई और लिक्विड जी वगैरह को मिक्स करते हैं। दूध भी अगर डालना हुआ तो डालते हैं, बट आई डोंट यूजुअली ऐड दैट। ओके, बस फिर मिक्स करके बेकिंग ट्रे में रख देते हैं 180 डिग्री पर बेक करते हैं। ओके, आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? कुकीज, आई लव टू बेक कुकीज। ओके, कुकीज कैसे बनाती हैं? आई डू द सेम थिंग लाइक हर, बट मेरा ये होता है कि मैं आई यूजुअली मेक वैनिला कुकीज, वैनिला फ्लेवर, तो आई डोंट यूज द चॉकलेट थिंग, आई यूज द वैनिला बेसिकली, या वैनिला एसिड्स। Yeah, I would just... Okay. और आप? स्केचिंग करती हूँ। स्केचिंग करती हूँ? ओके, तो स्केच कभी किसी लाइक बंदे का बना? हाँ, मैं पोर्ट्रेट्स ही बनाती हूँ, मतलब डिफरेंट जगह पे जाके कोई आइडियाज आते हैं तो जस्ट आई लव टू ड्रॉ। नाइस नाइस नाइस। लेट्स सपोज अगर मेरा पोर्ट्रेट बनाना होगा तो आप बना लोगी? जी बना लूँगी। ओके, कितने टाइम में? इट विल टेक लाइक 4 आवर्स, अगर एक से 4 to 5 आवर्स, लेकिन बन जाएगा। 4 to 5 hours लेकिन बन जाएगा। ओ नाइस, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही वेली हूँ। आप क्या करते हो? मुझे लाइक रीडिंग का शौक है। रीडिंग का शौक है, किस कौन सी किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है? यू नो फिक्शनल, यूजुअली लड़कियाँ जो होती हैं उनको फिक्शनल किताबें पढ़ना बहुत पसंद होती है। फिक्शनल, लेकिन उसमें थोड़ा रियलिटी का टच होता है। रियलिटी भी हो उसमें थोड़ी बहुत। ओके अच्छा, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने आप लोगों ने, तो अभी क्लासेज आपकी होंगी? हाँ जी है, लास्ट क्लास, बट स्टिल सो मच एक्टिव, हाउ? क्योंकि आज इतनी नहीं थी, सिर्फ इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं थी। ओके, सिंस वी टुगेदर सो वी डजंट रियली, चारों इकट्ठे होते हो हर वक्त? यस, चारों इकट्ठे होते हैं। चलो दैट्स रियली गुड। टंग ट्विस्टर कराएंगे हम, देखते हैं कि आप लोगों में से कौन सबसे अच्छा टंग ट्विस्टर करता है।
मैं जो भी बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने फाइव, चलो थ्री थ्री टाइम्स, ओके? अच्छा आपने बोलना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक दफ़ा दोबारा बोलें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। वेरी नाइस, सेम फॉर मी, जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आई डोंट नो, आई मिस्ड अप। ओके, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या था, क्या था डांक ट्विस्टर? खड़क सिंह के खड़कने से आई कैन नॉट, सॉरी। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कुछ कहना चाहोगे, कुछ सुनाना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हमारे पेपर्स हैं 10 दिनों में, सी आई करें, दुआ करें, लाजमी दुआ करें। पहला मैथ का है और लाजमी दुआ करें। ओके, जस्ट वांट प्रेयर्स। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? हाइद खान। हाइद, आपका नाम? राफे अहमद। राफे, हाइद आपके नाम का मतलब क्या है? तौबा करने वाला। अच्छा जी, क्या करते हो आप? मैं ओ लेवल पढ़ता हूँ, सीसीबी। अभी जी। ओके जी, हमें क्या सुनाएंगे, हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? बस अब क्या ही शेयर कर सकते हैं। टैलेंट है जो आपका? टैलेंट बस मैं यहाँ पढ़ने ही आता हूँ, और तो कुछ टैलेंट नहीं है मेरा। और कोई खास टैलेंट नहीं है? आप सेम टैलेंट तो होता है ना हर बंदे में। नहीं नहीं, ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं है। चलो सही है, सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के एक ऐसे शहर का नाम बताइए जिसको हम लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं। 15 नुक्ते? उर्दू तो मेरी वैसे ही इतनी अच्छी नहीं है। क्यों, वजह? तुम्हारी कौमी जबान है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तो होनी चाहिए, बस अब मैं शुरू से फोकस नहीं कर पाया उर्दू। किस जबान पर फोकस करते रह गए हो शुरू से? इंग्लिश पे। अच्छा आप बताएं। नो आइडिया। चलें टांग ट्विस्टर के आते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने तीन तीन दफ़ा, और जो मैं एक ही दफ़ा बोलूँगी। आपने बोलना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। बस भूल गया इसे। आप बताओ क्या बोला था मैंने? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है मजा आया होगा, इंजॉय किया होगा आप सब ने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में एक बड़ा मजेदार सा जनरल नॉलेज का सवाल किया था, वैसे अमूमन हम फनी रिडल्स करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक जनरल नॉलेज का सवाल हम पूछा जाए सबसे, जिसका जवाब बड़ा कॉमन है लेकिन अमूमन हमें पता नहीं होता। तो सवाल ये था कि पाकिस्तान के एक ऐसे शहर का नाम बताइए जिसमें जिसको हम लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं, तो वो क्या है? पाक पतन शरीफ। पाक पतन शरीफ नाम ऐसा है पाकिस्तान के एक शहर का जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी व्यूवर्स, नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।